बायोसेवर्ट के नियम में फॉर्मूला क्या था, म्यू लैम्डा अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर कोई करंट एलिमेंट है या करंट है या कोई चार्ज है उसकी सीध में कोई पॉइंट है कहां आमने सामने, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, जीरो। देखो ये एक तार दिया हुआ है सीधा तार है ऐसे, हाँ, और इसके बाद इसको मोड़ दिए कहां, सेमी सर्किल में, अर्धवृत्त में, ठीक, और इसमें करंट आई फ्लो कर रही है ऐसे, सहमत सहमत। अब इसके ठीक नीचे एक तार और है, मैं थोड़ा सा दूर करके बना रहा हूं ताकि समझना, वो दोनों तार एक दूसरे को जस्ट टच करते हुए ही जा रहे हैं, मतलब उनके बीच की दूरी कितनी है, जीरो। जो मैं दूसरा तार बना रहा हूं उसमें भी करंट आई है और वो इस वायर के एकदम अगल बगल ही है, मतलब बीच की दूरी कितनी है, जीरो। और इसको भी वृत्त में घुमा दिए, इसके अर्धवृत्त की त्रिज्या है ए और इसकी भी ए, और ये तार ऐसे चला गया। दोनों तार आप समझ रहे हैं टच, दोनों तार टच नहीं कर रहे हैं और उनके बीच की दूरी जीरो है। अब मुझे बताओ ये तार कहां जा रहा है, केंद्र की ओर, ये तार की धारा, दोनों में धारा आई है, बोलो, इसके भी सीध में क्या है, केंद्र। तो आपको इस केंद्र ओ पर दोनों अर्धवृत्त की वजह से चुंबकीय क्षेत्र बताना है, इसमें कितनी धारा है आई, इसमें कितनी धारा है, बोलो, ऐसे धारा आ रही है ये, बोलोगे, तो जो दोनों का केंद्र है वहां चुंबकीय क्षेत्र बताओ, सवाल समझे कि नहीं। एक तार ऐसे आ रहा है इसके केंद्र की सीध में ऐसे, और फिर ऐसे मुड़ गया अर्धवृत्त में सेमी सर्किल में इधर चला गया, और एक तार ये आ रहा है ऐसे और अर्धवृत्त में घूम गया और इधर चला गया, म्यू लैम्डा अपॉन 4 पाई आई बाई ए, आर की जगह ए बता रहा है, और इनटू 2 पाई, और दिशा इनवर्ड। आप बताइए क्वेश्चन फिर से सुनिए, ये तार ऐसे आ रहा है ना अनंत से और ये इस वृत्त के केंद्र पर ओरिएंटेड है ऐसे, और यहां आने के बाद इसको ए त्रिज्या के अर्धवृत्त में मोड़ दिए, फिर तार ऐसे अनंत में चला गया। तो मैं कह रहा हूं ना इसकी वजह से यहां चुंबकीय क्षेत्र जीरो आएगा, क्योंकि इसकी सीध में ही पॉइंट और इसकी भी सीध में, और दूसरा तार उसमें भी धारा आई है, अब ये तार भी आया और इसको ऐसे मोड़ दिए और इसमें भी धारा आई है और ये अनंत चला गया। तो इस वाले सेक्शन और इस वाले सेक्शन की वजह से ओ पर चुंबकीय क्षेत्र जीरो है, ये बता दिया मैंने, क्योंकि तार के सीध में चुंबकीय क्षेत्र जीरो होता है, बताया था कल आपको, लिखवाए थे आमने सामने चुंबकीय क्षेत्र जीरो। तो जरा बताइए ओ पर चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा दोनों को मिलाकर, दो लूप है ना, दो अर्धवृत्त है ना, दोनों पे जीरो आ रहा, मतलब दोनों की वजह से नेट बताओ ना, बताओगे जीरो आएगा, बताइए भाई जीरो आएगा, आप बताइए क्या आएगा, जब तक डायरेक्शन देखोगे नहीं तब तक कुछ आएगा नहीं, और वो तुम देख नहीं रहे हो, तुम ऐसे बैठ के देख रहे हो उत्तर कितना आएगा, डायरेक्शन सॉल्व करो, हाँ सॉल्व किए, तुम बताओ डायरेक्शन किधर आई, इसकी वजह से यहाँ चुंबकीय क्षेत्र किधर आया, आप बताइए इसकी वो सब जाने दो, हम जो पूछ रहे हो बताओ, इसकी वजह से यहाँ चुंबकीय क्षेत्र किधर आएगा, इनवर्ड, और इसकी वजह से, अब देखो सॉल्व नहीं किए हैं, तुम बताओ सुनो, वो बायां हाथ है, अरे यहां देखो ये करंट इधर है, यहां सॉल्व करना है, तुम ऐसे सॉल्व कर रहे हो, यहां सॉल्व कर रहे हो, ऐसे गलत तो आएगा ही, या तुम बाएं हाथ से सॉल्व कर रहे हो, यानी तुम्हारी अभी आदत नहीं पड़ी है, बोलोगे, इसीलिए कह रहे कल आपको बोले थे होमवर्क करके लाना, सवाल लगाना, डायरेक्शन देखना। सुनो ये देखो, यहां देखो करंट इधर थंब हो गया, दाया हाथ है ये राइट हैंड, और ये पॉइंट की ओर चार उंगलियां हो गई, आउटवर्ड आया आया, इसको देखो, इसको करंट इधर, पॉइंट यहां है ना, वो देखो यार सर बोले बैठे नींद में,
यस सर एकदम सही है, यहाँ है ना, तो आप ऐसे करके सॉल्व कर रहे हैं तो आउटवर्ड आएगा, यहाँ सॉल्व करिए, करंट इधर, पॉइंट ये इनवर्ड, तो दोनों की दिशाएं कैसी है, विपरीत। और दोनों के मान सुनो, बताओ तुम दोनों के अलग अलग मान बताओ, रुक जाओ यार रुक जाओ, तुम सुनो, इससे जीरो है सीध में, इससे जीरो है, क्या इस अर्धवृत्त से भी जीरो है, बोलो नहीं। हाँ, इसका मान कितना है सुनो, b बराबर म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, करंट i अपॉन त्रिज्या a, और इंटू कोण, अर्धवृत्त कितना कोण बनाता है वृत्त के केंद्र पर, 180 डिग्री, और रेडियन में पाई, तो आपको बताया नहीं थे पाई, तो एक आएगा आउटवर्ड और दूसरा इतना ही आएगा इनवर्ड। अब दोनों अपोजिट हैं, जब दोनों को जोड़ोगे तो बी नेट सेंटर पर कितना आएगा, जीरो। मैं समझे, मैं ये नहीं कह रहा हूं हर सवाल का उत्तर जीरो आएगा, इसके पहले वाले का भी जीरो आया था, लेकिन दिशा नहीं देखोगे तो सॉल्व करोगे तो तुमको लगेगा कि पता नहीं सही लगाएंगे गलत, कॉन्फिडेंस के बाद वहां से नहीं लौटोगे, तुमको कहोगे सर ये वाला आंसर बताइए हम क्या लगाए, थोड़ा डर लग रहा है, और डायरेक्शन देख के लगाए रहोगे, कहोगे सर एकदम सही लगाए, उसका आंसर जीरो है।